पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के पीछे ईरान की साजिश होने की कई रिपोर्ट्स में बात कही गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो अमेरिका को ईरान को खत्म करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर वे राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिकी नेता कायर माने जाएंगे। हाल ही में ट्रंप की एक रैली में एक हमलावर ने उनके ऊपर गोली चलाई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और दो घायल हुए थे। हालांकि इस हमले में ईरानी साजिश होने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति रहते हुए 2018 में ईरान के साथ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के JCPAO न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर कर लिया था और कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिससे ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच दूरी बढ़ गई है। ईरानी सरकार ने सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप और उनके प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ कई बार धमकियां जारी की हैं। जनवरी 2022 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ट्रंप पर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाने की मांग की थी और कहा था कि ऐसा नहीं होता है तो वे बदला लेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसराइल के PM की क्लिप शेयर करते हुए ये बात लिखी है। इसराइली PM ने अमेरिकी संसद को दिए अपने संबोधन में ईरान को मध्य पूर्व के तनाव की जड़ बताया था। इसराइली PM ने कहा था कि ईरान अमेरिका पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए उसे पहले मध्य पूर्व में जीत हासिल करनी होगी, जिसके लिए ईरान कोशिश कर रहा है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।